प्राचीन मंदिर से यमुना महाआरती। द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट सामने आप देख सकते हैं विश्राम घाट, और ये वही विश्राम घाट है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का जो वध किया था, मामा कंस का, उसके बाद विश्राम किया था। तो दोस्तों चलिए आपको भी इस महाआरती में हम शामिल करवाते हैं। यमुना जी के किनारे विश्राम घाट, कल कल बहती यमुना जी, और भगवान कन्हैयालाल की कई लीलाएं हुई थी। अभी हम आपको लेकर चलेंगे कंस किले पे, और भूतेश्वर महादेव मंदिर विश्राम घाट पे आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं, और प्रातःकालीन आरती हो रही है देखिए। बहुत ही पुण्य का लाभ उठाइए दोस्तों, सुबह के समय मंगला आरती के दर्शन कीजिए। प्रतिदिन यहाँ विश्राम घाट पे ये मंगला आरती की जाती है पंडित जी द्वारा, और यहाँ पास में आप देख सकते हैं यमुना जी। ये यमुना का घाट है, और ये कलकल बहती यमुना जी, और कुछ जो बोट है वो भी आपको यहाँ पे चलती दिखाई देगी। विश्राम घाट, और ये वही घाट है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, और कंस जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। वर्षा की जा रही है आरती के ऊपर, करीब से दर्शन कीजिए सभी भक्तगण। विश्राम घाट पे प्राचीन मुख्य मंदिर है श्याम सुंदर सी यमुना महारानी का। विश्राम घाट पे जो भी यमुना जी के पानी से स्नान करता है, कुछ छींटे भी लगा लेता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना जी में भक्त किस तरीके से डुबकी लगा रहे हैं, और पानी बहुत ही गर्म है। तो मथुरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि की जन्म स्थली है, इसके कारण इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। आरती हो रही है यमुना जी की, बहुत ही खूबसूरत परिदर्शन, कृष्ण की महिमा के लिए जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस जो कि अत्याचारी और क्रूर राजा था, जिसने अपने पिता उग्रसेन को भी गद्दी से हटा के स्वयं राजा बन गया था, और अपनी बहन बहनोई वासुदेव और अपनी बहन देवी उन्होंने सारा गांव में डाल दिया था। और इसके बाद जो आकाशवाणी हुई थी देवकी के गर्भ से जो आठवीं संतान होगी वही तेरा रहेगी, और भगवान आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया कन्हैयालाल ने, और फिर इसी घाट पे अपने कंस का वध करने के बाद आके विश्राम किया था।
मंदिर से यमुना महाआरती भंडार, यहाँ पे भी आप देखिए माता रानी को।